गार्या भिंगोरिया, मतलब ये गार्या भिंगोरिया जो है ना एक गेम है। देखो यहाँ पे एक गेम खेल है जो बारिश में बच्चे लोग गोल गोल घूम के खेलते हैं। देखो जैसे बच्ची खेल रही है, गोल गोल घूमते हैं, भीग के खेलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, टप 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 पड़ती गारा। गारा मतलब हेल स्टॉर्म, बर्फ के गोले। देखो यहाँ पिक्चर में दिखाया ना, देखो छोटे छोटे बर्फ के गोले हैं, बारिश भी हो रही, बर्फ के गोले। बारिश में देखो कभी कभी बर्फ के गोले गिरते हैं, तो वो बताया यहाँ पे कि टप 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 बर्फ के गोले गिर रहे हैं। पट 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 वेचू सारिया, वेचू मतलब कलेक्ट करना, जमा करना, सारे मतलब पूरा या ऑल। तो ये क्या बोल रहे हैं कि पट पट सब जो बर्फ के गोले हैं जमा कर ले सारे। देखो यहाँ पे बच्चे लोग कलेक्ट कर रहे हैं, ये देखो सब कलेक्ट कर रहे हैं बच्चे लोग। पगडूनी धरता वितुड़ूनी गेलिया, पगडूनी मतलब कैच मतलब पकड़ना, वितुड़ूनी मतलब मेल्ट या पिघल जाना। तो देखो क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही पकड़ रहे हैं हाथ में वैसे ही पिघल जाता है। क्यों? क्योंकि देखो हमारे हाथ में गर्मी होती है ना, तो आप बर्फ का गोला लोगे ना थोड़ी देर में पिघल जाएगा। गार्या गार्या भिंगोर्या मतलब वही कि बारिश में गोल गोल घूमना और भीग कर खेलना। गड़ 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 मेघ गरजती, मेघ मतलब क्लाउड या बादल। तो इसमें क्या होता है, कैसे बारिश के टाइम में नहीं बादल गरजते हैं, तो उसको यहीं पे बताया, यहाँ पे वही बताया कि गड़गड़ गड़गड़ बादल गरज रहे हैं। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं बादल है तो ये गरज रहे गड़गड़ गड़गड़ एकदम। चमचम चमचम विजा चमकती, विजा मतलब बिजली, लाइटनिंग बोलते है ना। तो यहाँ पे वही बताया कि यहाँ पे देखो लाइटिंग बिजली दिखाई, देखो दो दो है यहाँ पे, वही बता रहे कि चमचम चमचम बिजली चमक रही है। थुई 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 मोर नाचती, यहाँ पे बताया कि थुई 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 मोर नाच रहे हैं। गार्या गार्या भिंगोर्या मतलब यही वो गेम का नाम है कि बच्चे लोग बारिश में भीग कर गोल गोल घूम रहे और खेल रहे। थड़ 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 ठंडी वाजते, ठंडी मतलब ठंडी लगना। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो बारिश जब होती है और बारिश में ठंडी ठंडी हवा भी चलती है तो बहुत ठंड लगती है ना, तो यहाँ वही बताया कि थड़ 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 ठंडी लग रही है। हाक आई ची एकुया, हाक मतलब पुकार, टू कॉल मतलब जो मम्मी बुलाते हैं ना उसको बोलते हैं हाक। आई ची मतलब मम्मी, मॉम, एकु मतलब सुनना। तो देखो बारिश में आप लोग बिना बताए बाहर चले जाते हो और बारिश में खेलते हो तो मम्मी बुलाने लगती है ना कि आ जाओ घर में। देखो यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं मम्मी यहाँ पे देखो घर के अंदर से बुला रही है बच्चों को कि अंदर आ जाओ, घर आ जाऊनी स्वच्छ हो या मम्मी, क्या हो रहा है घर आके साफ हो जाओ, ठीक है मतलब हाथ धो के साफ हो जाओ, तो मम्मी बच्चों से बोल रही है। गार्या गार्या भिंगोर्या इसका मतलब वही गेम, बच्चे लोग जो बारिश में भीग कर गोल गोल घूमते और खेलते हैं। तो ठीक है ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अर्थ मेघ बादल क्लाउड्स गारा ओला हेलस्टोन वेचने एक एक उठाना टू पिकअप वन बाय वन सारे सभी ऑल पकड़ने पकड़ना टू कैच वितरणे पिघलना टू मेल्ट गर्जने गरजना रंबलिंग ऑफ क्लाउड्स मोर मोर पिकॉक ठंडी ठंडी कोल्ड वीज चमकने बिजली चमकना फ्लैश ऑफ लाइटनिंग हाक पुकारना अ शाउट अ कॉल एकु येने सुनना टू लिसन स्वच्छ होने साफ होना टू गेट क्लीन। क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसमें पहला क्या है उत्तर है सांग, पहला क्या है आ कविता कशा बद्दल आहे, कशा बद्दल मतलब किसके बारे में।
तो ये कविता जो पोएम है किसके बारे में है? इसका उत्तर है कविता गारा बद्दल आहे, मतलब कविता जो है वो बर्फ के गोले ये सब के बारे में है। फिर नेक्स्ट क्या है, ही कविता कौन मणत असेल, मतलब ये पोएम कौन बोल रहा है, ये कविता कौन बोल रहा है? तो इसका उत्तर है ही कविता मूल मणत आहे, मूल मतलब बच्चे, तो इसका क्या उत्तर है, मतलब ये कविता बच्चे बोल रहे हैं ये पोएम। अभी नेक्स्ट क्या है, ई विजा चमकता तेव्हा तुम्हाला काय वाटते, मतलब जब बिजली चमकती है तब तुम्हें कैसा लगता है? इसका उत्तर है विजा चमकता तेव्हा आम्हाला मेघ गर्जत आहे असे वाटते, मतलब जब चमकती है तो हमें क्या लगता है कि अभी बादल गरजेंगे ऐसा लगता है। ठीक है, कोड़ते सांगा, मतलब कौन है वो बताना है। तो पहला क्या है, टप टप पडणाऱ्या, मतलब टप टप गिरना। तो ये हमने पोएम में देखा था टप टप कौन गिर रहा था, बर्फ के गोले, जिसको बोलते हैं मराठी में गारा। गड़ गड़ गरज उड़ारे, मतलब गड़ गड़ गरजना, तो गड़ गड़ क्या गरज रहा था, जिसको क्या था, मेघ, जिसको हम बोलते हैं ढग, मतलब बादल, बादल गरज रहे थे ना गड़ गड़। चमचम चमक उड़ारी, मतलब चमचम चमकना, तो चमचम क्या चमक रही थी, बिजली। थुई थुई नाच उड़ारा मोर, मतलब पिकॉक। थड़ थड़ वाज उड़ारी, वो है ठंडी, ठंड लग रही है थड़ थड़। तीसरा प्रश्न, शेवटची अक्षरे जुड़ारे कवितेतील सब शब्द सांगा, मतलब हमें यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स बताना है। ठीक है, देखो ये पोएम में आपको ये सब राइमिंग वर्ड ढूंढ के लिखना है। तो पहला क्या है, सार्या, सार्या का राइमिंग क्या है, भिंगोरिया। देखो दोनों सेम सेम लग रहे हैं ना, सार्या भिंगोरिया। वैसे अगला क्या है, गरजती, गरजती का क्या है, चमकती या नाचती। ये आपको पोएम से ढूंढ के लिखना है। देखो फिर अगला क्या है, वाजते, वाजते का येते। तो ये आपको पोएम में मिल जाएगा, आपको पोएम से ढूंढ के लिखना है। अभी अगला प्रश्न क्या है, टप टप गड़गड़ या सारखे नाम नाम नाद में शब्द या कवितेत आले आहेत ऐसे आड़खी शब्द सांगा, मतलब देखो टप टप और गड़गड़ ऐसे बहुत सारे वर्ड है, तो आपको ये कविता से ढूंढ के लिखना है। तो देखो यहाँ पे मैंने ढूंढ के लिखा है। तो सेकंड क्या है, पटपट, पटपट नहीं बोलते, पटपट सारे कलर कर लेने का जो बर्फ के गोले वो है। और चमचम बिजली चमकती है, देखो ये भी चमचम भी है। और थुई थुई मोर नाचता है वो भी है। और थड़ थड़ ठंडी लगती है वो भी है। तो देखो ऐसे ही टाइप के वर्ड है, देखो टप टप चमचम थुई थुई थड़ थड़, ये मैंने सब वर्ड्स ढूंढे हैं पोएम में से। वैसे आपको भी ढूंढ के लिखना है।